तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंट्रोलिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, साथ ही साथ में उसके स्टेप्स और प्रोसेस किस तरीके से होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंस एंड कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि कंट्रोलिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो चलो अभी देख लो, कंट्रोलिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द यू नो मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यू नो कि देयर आर फाइव मेजर फंक्शन जिसमें से हमारा प्लानिंग आता है। सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या फिर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले। देन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना। फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाद में स्टाफिंग, सही राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब कि जिसको जो ऐसे लोगों को चुनना रहता है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना रहता है जो कि सही पर्सन हो, जो कि जॉब को कर सके, ठीक है। उन सारी चीज़ों को सिलेक्टिंग प्रोसेस के बाद में हमको उनको क्या देना रहता है, डायरेक्शन देना रहता है। लोगों को क्या करवाते हैं हम लोग, मतलब डायरेक्शन देते हैं लोगों को, डायरेक्शन दे करके उनसे काम करवाना रहता है, उनसे आउटपुट जनरेट करना होता है। देन फिफ्थ नंबर पे आता है जो कि आज का है हमारा टॉपिक, वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बेसिकली ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं, बट कंट्रोलिंग जब तक नहीं होगी, लेट्स से कि सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आपने प्लानिंग करी, आपने ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग करी, डायरेक्टिंग करी, ठीक है, लोगों को डायरेक्ट भी करी, लेकिन अभी देखो कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई दिक्कत मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं पर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल जाएगी, चाहे वो आपके घर परिवार फैमिली में देख लो या फिर कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में देख लो। उन चीज़ों को फिक्स करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए कंट्रोलिंग फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कंट्रोलिंग क्या होती है, चीज़ों को कंट्रोल करना, जो भी चीजें सही नहीं चल रही हैं, जहां पर व्हेन यू सी देयर इज अ सम काइंड ऑफ यू नो कि abnormality is there, so at that time you can apply the controlling process, ठीक है। उस समय आपको क्या apply करना रहता है, controlling process को apply करना रहता है। so let's see यहाँ पर से जो controlling process है वो क्या है। so the main object of control is to bring to light the variations between the standard set and actual performance। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, दो words use हुए हैं यहाँ पर, variation। variation का क्या मतलब होता है कि जो difference है, difference को कम करना रहता है किसके किसके बीच में, स्टैंडर्ड सेट और एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये दोनों वर्ड्स को ध्यान रखना। और देखो स्टैंडर्ड सेट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर आपने कोई टारगेट है कंपनी के अंदर फिक्स कर दिया कि मुझे आज 100 फोन्स को 100 स्मार्टफोन बनाने हैं, ठीक है, तो ये क्या है, 100 स्मार्टफोन बनाने हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड सेट है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट है कि आपको प्रोडक्शन करना है कितने, 100 फोन्स का, ठीक है। मैं हमेशा प्रोडक्शन का इस वजह से एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैं उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, ठीक है, तो इस वजह से मुझे हमेशा ये एग्जांपल्स ही याद आते हैं। तो यहाँ पर देख लो, फिर अभी देखो आपने कितना का टारगेट सेट किया था, 100 का टारगेट फिक्स किया था, लेकिन आपने जब शिफ्ट के एंड में देखा जा करके, तब केवल वहाँ पर 70 पार्ट ही बने हुए थे, ठीक है, 70 फोन्स ही बन पाए थे, क्योंकि इम्प्लॉयज़ की या केयरलेसनेस बोल लो, या फिर कोई मशीन ख़राब हो गई होगी, या फिर लाइट चली गई होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगी, तो कुछ भी देख करके क्या हो गया होगा कि वहाँ पर 70 पार्ट्स ही बने होंगे। तो आपने टारगेट कितने का रखा था, 100 का रखा था, बट जब आपने एट द एंड देखा जा करके शिफ्ट के एंड में, तो 70 पार्ट्स ही बने थे। तो यहाँ पर देखो गैप कितने का आया, गैप क्या है, डिफरेंस है, मतलब कि इसके बीच में इनके बीच में डिफरेंस कितने का आया, 30 का डिफरेंस आया है ना। तो वेरिएशन हम इसी को बोलते हैं, यहाँ पर लिखा होता है वेरिएशन। वेरिएशन किसको बोलते हैं, इस गैप को ही बोलते हैं कि 30 का क्या आया, गैप आया है ना। तो इस गैप को, यानी कि स्टैंडर्ड सेट क्या है, स्टैंडर्ड सेट आपका 100 है, और यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, दैट इज 70। एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने क्या निकाली है, 70, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो 30 का गैप आया है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम रही हो, चाहे वो कोई भी इशू रहा हो, एम्प्लॉय की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसने मन से काम नहीं किया होगा, या फिर लाइट चली गई होगी, मशीन ख़राब हो गई होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, माल स्टोर से राइट टाइम पे नहीं मिला होगा, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस गैप को, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि ऐसा गैप आया क्यों, ठीक है, और इन फ्यूचर ऐसा गैप ना आए, इसके लिए आपको क्या करना रहता है, चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है कि ऐसा गैप दोबारा फ्यूचर में नहीं आए, तो उस वजह से आपको चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। देन टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, और उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना रहता है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के आपको नेसेसरी, जो भी आवश्यक स्टेप्स होते हैं, नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, टू प्रिवेंट द सच वेरिएशन
प्रिवेंशन इन फ्यूचर, जिससे कि आप उन फ्यूचर से बच पाओ, ठीक है, उन चीज़ों से आप बच पाओ और वो चीज़ें दोबारा, ये जो 30 का गैप है ना, ये दोबारा फ्यूचर में ना आए। आपने अगर 100 का टारगेट फिक्स किया है तो आपके जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो 100 ही स्मार्टफोन्स का होना चाहिए, ठीक है। ये 70 और 80 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर गैप से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 30 का कोई जो गैप आता है ना, ये नहीं हो। अगर आपने इतने का टारगेट फिक्स किया है, 100 का फिक्स किया, तो 100 ही प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इस गैप को ना आने के लिए हमको क्या यूज़ करना होता है, दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस को यूज़ करना होता है, ठीक है। इतना आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अभी देखो कि देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन अ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस के कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना होता है, जैसे मैंने बताया ना कि 100 पार्ट्स जो भी आपने डिफाइन करने हैं, तो स्टैंडर्ड एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड को सेट किया। देन मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स अगेन स्टैंडर्ड्स। अब देखो जो आपने बनाया है, मान लो कि आपने 70 पार्ट्स बनाए थे ना, 70 बनाए थे ना, 70 स्मार्टफोन्स को बनाया था, प्रोडक्शन किया था, और जो स्टैंडर्ड्स था वो कितना का था, 100 का था, तो आपने उनके बीच में कंपेयर किया, तो आपने देखा कि 30 का क्या गैप आ रहा है, क्या आपने देखा कि 30 का गैप आ रहा है। जब आपने देखा कि 30 का गैप आ रहा है, देन आपने क्या किया, टेकिंग करेक्टिव एक्शन एंड कंट्रोल वेरिएशंस। तब आपने क्या किया, कोई ना कोई उस प्रॉब्लम को देखा, आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को, वेरिएशंस को कम करने के लिए आपने क्या किया, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। आपने कोई भी एक ऐसा एक्शन लिया जो कि करेक्टिव एक्शन हो और उस कंट्रोल, उस गैप को फुलफिल कर सके, ठीक है, आगे फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना आए, इस वजह से आपने उस चीज़ पे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आप इतना अच्छे से सारी चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो कि दे आर 4 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, इस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो क्या होता है कि इस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स करो, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो कि टाइम आपको इतने समय के अंदर इतना काम करना है, ठीक है। तो टाइम से रिलेटेड आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, कॉस्ट के अंदर सेट कर सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कि आपको इतनी कॉस्ट के अंदर इतना सामान बनाना है, ठीक है, तो उसका भी स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हो। ऐसा ना हो कि केवल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। क्वालिटी से स्टैंडर्ड की आप, अगर आपने 100 पार्ट बनाए तो उसमें चलो एक पार्ट अगर एक मोबाइल फ़ोन डिफेक्ट आ गया तो ठीक है, तब तो चलो चलता है, लेकिन आपने 100 बनाया उसमें से 30 के अंदर मान लो कि डिफेक्ट आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वालिटी के साथ कंपेयर कर दो ना आप, मतलब क्वालिटी के साथ में समझौता कर दो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो यहाँ पर आपको क्वालिटी से रिलेटेड भी स्टैंडर्ड्स को भी सेट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी स्टैंडर्ड्स को सेट करना पड़ेगा कि 100 पार्ट बनाने मतलब 100 पार्ट ही बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 90 बन जाए, 80 बन जाए, इससे कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड का मतलब सबसे पहले स्टेप यही होता है कि आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करने, इतने समय में इतनी कॉस्ट के अंदर इस क्वालिटी के साथ में और ये प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में। अब दूसरा हमारा है कि वो है कि मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, यानी कि मॉनिटर करो एंड मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि आपका जो भी 70 पार्ट बन रहा है ना, तो उस चीज़ को देखो, ऑब्जर्व करो कि वो क्यों 70 बना, वो गैप क्यों आया, ठीक है। फिर यहाँ पर कंपेयर करो, कंपेयर का मतलब कि लोगों की इफेक्टिवनेस देखो और इफिशियंसी भी देखो, कि लोगों, यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप क्या देख रहे हो, लोगों की इफेक्टिवनेस भी देख रहे हो, इफिशियंसी भी देख रहे हो, देन आप कंपेयर करो, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स। लोगों को क्या कर रहे हो, जो भी आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस है 70 आपने बनाया, 70 का 100 से के साथ में क्या कर दो, कंपेयर कर दो, ठीक है, रेशियो, उसका रेशियो देखो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करो, स्टैटिकल एनालिसिस करो, सारी चीज़ों को देख करके आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, जैसे कि कोई कापा होता है ना, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, इस तरीके से कापा वगैरह जो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि किसी भी एम्प्लॉय को, पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर कोई एक ऐसी न्यू पॉलिसी बना सकते हो, इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका ढूंढ सकते हो, जिससे कि आपकी फ्यूचर में वो प्रॉब्लम दोबारा रिपीट नहीं हो, ठीक है। तो आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया कि 4 स्टेप्स कौन कौन से कंट्रोलिंग के। अभी देख लो कि यहाँ पर से हम लोगों के कुछ है लाइक यहाँ पर इम्पॉर्टेंस देख लो कि इम्पॉर्टेंस क्या है, कंट्रोलिंग से क्या क्या होता है। एक तो देखो कि प्लेज अ क्रूशियल रोल, क्रूशियल का मतलब क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल में क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो फिर आपको गोल्स अचीव करना क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाएगा। फिर आपके इनेबल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज का क्या कर सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, जितने भी मैन पावर हो, मशीन्स हो, कोई भी हो,
सारी चीजों को ऑप्टिमम यूज कर सकते हो कंट्रोल करके, ठीक है, डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो कंट्रोल करके, ऑर्डर्स को मेंटेन कर सकते हो, देन कोऑर्डिनेशन को भी मेंटेन कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हो ना कि सारी चीजें बैलेंस में होनी चाहिए, इंप्रूव बैलेंसिंग, यानी कंट्रोल अगर रहेगा तो बैलेंस में सारी चीजें रहेंगी। हेल्प इन बेटर प्लानिंग, जिससे क्या होगी कि बेटर प्लानिंग आगे की हो सकती है। अगर मान लो कि 100 का टारगेट है, अगर 100 का टारगेट है मान लो, तो 100 के टारगेट में अगर मान लो कि आपने 110 बना दिया, ठीक है, तो 10 पार्ट ज़्यादा बन रहा है, तो यहाँ पर से आप क्या समझ गए कि अच्छा मेरे एम्प्लॉयज़ के पास में ज़्यादा कैपेसिटी है, अगर वो 10 पार्ट ज़्यादा बना सकते हैं तो हमको अब आगे से ऐसा ही टारगेट फिक्स करना होगा, आपको आगे से 110 का ही टारगेट रखना होगा, जिससे कि आपके एम्प्लॉयज जो भी हैं वो अपना पूरा मैक्सिमम आउटपुट दे सके, है ना। तो हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग, यानी कि प्लान करना आगे हिसाब से देख करके, देन मोटिवेट्स एम्प्लॉय और कंट्रोल करके, ऐसा भी नहीं कि केवल डांटना फटकाना, लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हो, ठीक है। देन इनेबल क्रिएटिव थिंकिंग, इससे आपकी क्या होती है, कंट्रोलिंग करने से क्या होती है, लोगों के बीच में सोच भी डेवलप होती है और लोग क्या होते हैं, क्रिएटिव भी बनते हैं। देन यहाँ पर किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करके आप अपनी कंट्रोलिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हो, एक तो लोगों का फीडबैक दो, अच्छा हो या बुरा हो, अगर अच्छा हो तो लोगों को अप्रिशिएट करो, बुरा हो तो उनको मोटिवेट करो या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, जिस भी तरीके की, जो भी जिस तरीके से जो भी मानता हो, ठीक है, अगर कोई डांट से मानता हो तो उसको डांटो, ठीक है। फिर रेमेडी एंड सॉल्यूशंस, उसके रेमेडी और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, गाइड करो या फिर मोटिवेट करो, ठीक है, लोगों को, ठीक है, जो भी दो। देन यूज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक्स, जो भी कंट्रोलिंग टेक्निक्स की जो भी अलग अलग टेक्निक्स है, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे, देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स, जैसे कि अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, पीपीसी डिपार्टमेंट होता है, प्रॉफिट और लॉस कंट्रोल के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। देन प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल, सभी लोगों को एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, अगर कंट्रोल में नहीं आ रही चीज़ें तो उसके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, और कंट्रोलिंग प्रोसेस के साथ ही साथ में उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।